हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सोमवार को हुए छात्र संघ चुनाव के दौरान 46.22% मतदान हुआ। यह पिछले साल से करीब 3% कम है। पिछले साल करीब 49% मतदान हुआ था। सोमवार को कुछ स्थानों पर छूटपूट घटनाएं हुए, लेकिन कड़े पुलिस बंदोबस्त के कारण उत्पाती घटनाओं पर लगाम लगी रही। मतगणना 11 सितंबर को सुबह 11 बजे की जाएगी। संकायों में वोटों की गिनती संकाय स्तर पर, संघटक कॉलेजों की मतगणना इन्हीं कॉलेजों में और अपेक्स पदों के लिए मतगणना MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। विश्वविद्यालय में छात्र संघ के कुल 34 पदों के लिए 164 उम्मीदवार मैदान में हैं। JNVU छात्र संघ चुनाव में सोमवार सुबह 8 बजे से संकायों में बने 41 मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हुआ। सुबह बारिश होने के कारण शुरुआत में तो मतदान करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कम रही, लेकिन 10 बजे के बाद बूथों पर लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे छात्र नेताओं और उनके समर्थकों ने आखिरी समय तक अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को रिझाने के प्रयास जारी रहे। भारी सुरक्षा व्यवस्था और दस्तावेजी जांचों के बाद मतदान केंद्र में प्रवेश दिया गया। छात्रों के बीच किसी विवाद को रोकने के लिए इस बार बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पूरी तरह से जांच परख के बाद ही छात्रों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। ID कार्ड में छपे बारकोड के मतदान स्थल पर स्कैन करने के बाद ही छात्रों को अंदर प्रवेश दिया गया। कुछ स्थानों पर लंबी जांच प्रक्रिया में छात्रों ने नाराजगी जताई। पोलिंग बूथों पर प्रातः 8 बजे मतदान शुरू होने के बाद 10 बजे तक मतदाताओं में मतदान को लेकर रुझान कम देखा गया। जहां आंकड़ों के मुताबिक प्रातः 10 बजे तक मात्र 14 मतदान ही हुआ, वहीं कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में 10 बजे तक मात्र 12 छात्रों ने अपने मत का प्रयोग किया। बूंदाबांदी ने भी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने के लिए बाधाएं उत्पन्न की। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।